नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। ये साल 2020 भी कमाल का है। चीन ने जहां पूरी दुनिया को नकाब ओढ़ा दिया, वहीं दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां किसी भी क्षण कोई बड़ा संग्राम शुरू हो सकता है। हैरानी की बात यह है कि चीन अपने चारों तरफ विवादों को हवा दे रहा है। हिमालय से लेकर समुद्र तक चीन एग्रेसिव मूड में आ चुका है। हालत यह है कि एलएसी पर भारत उसे सबक सिखाने की तैयारी रत है, तो दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान और ताइवान अपने तीरों को और पैना कर रहे हैं, यानी मामला तृतीय विश्व युद्ध से बस एक कदम दूर है। अब इंतजार इस बात का है कि इस कदम के फासले को कौन तय करता है, क्योंकि जो भी एहसास करेगा विश्व युद्ध का डंका उसी के नाम से बजेगा। कहने वाले तो यही कह रहे हैं कि इस बार विश्व युद्ध की शुरुआत भारत की तरफ से ही होगी। इसकी अगुवाई दुनिया के सबसे बड़े लीडर नरेंद्र मोदी करेंगे। अगर लोग ऐसा कहते हैं तो इसमें हैरानी भी नहीं है, क्योंकि इस समय भारत बड़ी चतुराई से चीन की घेराबंदी कर रहा है। यह केवल चीन पर दबाव बनाने के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया के 11 से ज्यादा देश एक ठोस प्लानिंग के आधार पर ऐसा कर रहे हैं। भारत लद्दाख से अरुणाचल तक अपनी सेना को मुस्तैद कर चुका है। रक्षा जरूरतों के साजो सामान सीमा पर पहुंचा दिए गए हैं, जबकि दक्षिणी चीन सागर में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए हैं। इसी से अंदेशा होता है कि चीन के साथ कुछ बहुत ही खौफनाक होने वाला है, यानी सारी गतिविधियां किसी फुल प्रूफ प्लान का हिस्सा है। संभवतः एलएसी पर चीन की दादागिरी को देख रहा भारत इसी प्लानिंग के आधार पर ज्यादा आक्रामक नहीं है, वरना अभी तक चीन पर भारत कोई ना कोई एक्शन कर चुका होता। मोदी की खामोशी कुछ बड़ा होने का इशारा कर रही है। बड़ी बात यह है कि कल अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोपियो द्वारा दिया गया यह बयान कि अमेरिका अपने मित्र देशों के साथ खड़ा है, चीन को एक चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। पर बावजूद इसके चीन एलएसी और साउथ चाइना सी से अपने कदम खींचने को तैयार नहीं है। इसके पीछे चीन का अति आत्मविश्वासी नजर आता है, यह जानते हुए भी कि उसके साथ केवल उत्तर कोरिया और फटीचर पाकिस्तान जैसा देश है, यानी जिनके तयमंद खुद फटे पड़े हैं, जिनपिंग उनसे कुर्ती की उम्मीद पाल बैठे हैं। भारत को अगले हफ्ते फ्रांस से राफेल विमानों की पहली खेप मिलने जा रही है, जो इंडियन एयरफोर्स की वायु शक्ति को और ज्यादा मजबूती प्रदान करेगी। इसके साथ ही भारत ने इजराइल, अमेरिका और रूस से काफी मात्रा में गोला बारूद, लेजर गाइडेड मिसाइलें और स्पाइस बम खरीदे हैं। भारत द्वारा यह खरीदारी आगे उत्पन्न हालातों को देखकर की गई है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जंग की प्रस्तावना पूरी तरह लिखी जा चुकी है। अवसर मिलते ही भारत कोई भी ठोस कार्रवाई चाइना पर करने से गुरेज नहीं करेगा। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो अगस्त का महीना दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसके पीछे तर्क यह है कि इस दौरान एलएसी पर चीन की नीति का पटाचेप हो जाएगा, क्योंकि भारत अब इस मुद्दे को और अधिक लंबित करना नहीं चाहता है। अगर चीन इसी तरह इलावाली करता रहा और वह अप्रैल 2020 वाली स्थिति में नहीं गया तो भारत का एक्शन होना तय है। इस अवधि में भारत के पास इजराइल और अमेरिका से गोला बारूद और फ्रांस से राफेल भी मिल चुके होंगे, इसलिए भारत चीन के बीच किसी जंग को रोकने की जिम्मेदारी चीन पर ही होगी। कहा तो यह भी जा रहा है कि भारत की तैयारियों के मद्देनजर ही अमेरिका और अन्य सहयोगी देश ढील बरत रहे हैं, क्योंकि अब से 2 महीने पहले तक भारत किसी युद्ध के लिए तैयार नहीं था। दुनिया को ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि कोरोना वायरस की महामारी में चीन अपना व्यवहार इतना आक्रामक कर लेगा, पर लगता यूं है कि जंग की पटकथा पूरी तरह तैयार कर ली गई है। वैसे चीन की एकड़ी निकालने के लिए यह समय की मांग भी है, पर इस जंग की आड़ से सबसे ज्यादा तोते पाकिस्तान के उड़े हुए हैं। पाकिस्तान चीन का उपनिवेश है, इसलिए चीन का साथ देना उसके लिए मजबूरी होगी। उसे यह भी मालूम है कि चीन दुनिया की महाशक्तियों के सामने एक हफ्ता भी नहीं टिक पाएगा। ऐसे में उसके अस्थि पंजर अभी से बजने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि चीन की हार से पाकिस्तान का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। दुनिया में जहां वह अलग थलग होगा, वहीं उसे अमेरिका और यूरोपियन देशों से मदद भी नहीं मिल पाएगी। इससे भी खतरनाक बात यह होगी कि वह भारत के हमलों से पूरी तरह तबाह हो जाएगा, और अगर भारत के सहयोगी देशों ने भी उस पर चढ़ाई कर दी तो मुल्लाओं की टोपी भी धूल के गुब्बारे में उड़ती नजर आएगी। इसलिए पाकिस्तान ने मदरसे वाले मुल्ला का नुक्ता जमाना शुरू कर दिया है, यानी तशरीफ 90 डिग्री उठाए रखो और चुपके से बिस्मिल्ला भी करते रहो, यानी वह चीन के साथ खड़े होने का दिखावा भी कर रहा है और यह भी दुआ कर रहा है कि यह जंग किसी तरह टल जाए। पर ऐसा लगता नहीं है कि पाकिस्तान की यह दुआ कबूल होगी, क्योंकि चीन सुधरने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने चीन की वजह से अपने 1,37,000 नागरिक गंवाए हैं। यह अमेरिका में मरने वाले द्वितीय विश्व युद्ध से कहीं ज्यादा लोग हैं। ऐसे में एक बार की भारत और चीन के बीच तनाव टल भी गया तो अमेरिका और ब्रिटेन चीन को बख्शने वाले नहीं है।
इसलिए जहाजों से जो समुद्र सजाया जा रहा है लहरों के छींटे तो उन पर पड़ना स्वाभाविक है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।